दोस्तों पहले ओडीआई मुकाबले में किंग बाबर ने सबके पारी खेल रच दिया इतिहास। विराट कोहली को पीछे छोड़कर बाबर आजम बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने बुधवार रात वेस्ट इंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से पटकनी दी। मेजबान टीम की जीत में अहम भूमिका कप्तान बाबर आजम ने निभाई, जिन्होंने 103 रनों की शानदार पारी खेलते हुए वनडे करियर का 17वां शतक जड़ा। इस शतक पारी के साथ पाकिस्तान कप्तान इतिहास रचने के साथ साथ भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली का भी बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज सो होप के शतक के दम पर 305 रन बनाए थे। इस स्कोर को पाकिस्तान ने 4 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। मुल्तान में 14 साल बाद इस मुकाबले के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है और कप्तान बाबर आजम ने फैंस का स्वागत अपने शतक के साथ किया। इस पारी के साथ पाकिस्तान कप्तान ने बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे कर लिए। इस आंकड़े को छूने के लिए बाबर ने 13 इनिंग ली है और वह वर्ल्ड क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे तेज कारनामा करने वाले कप्तान बन गए। और इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने बतौर कप्तान 17 पारियों में सबसे तेज 1000 रन ठोके थे। इस सूची में तीसरे पायदान पर एबी डिविलियर्स थे, जिन्होंने 18, तो वहीं केन विलियमसन ने 20 और रिचर्ड कुक ने 21। वहीं दोस्तों इसी के साथ बाबर आजम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट में दूसरी बार शतकों की हैट्रिक लगाई है। बाबर का वनडे क्रिकेट में यह लगातार 3वां शतक है। वेस्टइंडीज से पहले पाकिस्तान के कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक शतक ठोके थे। वहीं इसमें पहले उन्होंने शतकों की हैट्रिक 2016 में लगाई थी, जब कैरेबियन टीम के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक 300 से अधिक रन बनाए थे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है बाबर आजम के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।